Generation Alpha, another word that you use so very frequently nowadays, it's YOLO, you only live once. How true it is. But now the question is that once we know that we live only once, do we think about it that if I have got a chance to be born as a human being and not as an animal or an insect or a mammal, then what is so special about it?

क्या एम्स होने चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए क्या फोकस होना चाहिए क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना है ये कब सोचेंगे एंड अनलेस वी थिंक ऑन दीज लाइंस देन व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड वी ओनली लिव वंस वी केम वी एट खाना खा लिया वी स्लेप्ट और वी वी हैड फैमिलीज एंड वी हैड किड्स एंड देन वी डाइट एंड देन नो वन रिमेंबर्स नो वन रिमेंबर्स अस हम हम लोगों को हमारी फैमिलीज तक आफ्टर अ वाइल भूल जाएंगी ऐसा क्या करके जाएं दैट इवन इफ आई लिव वंस आई एम रिमेंबर्ड फॉर द टाइम्स टू कम देर आर पीपल यू नो दैट राइट देर आर सो मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हुज नेम्स बिकेम इमोटल बट देन वी नो पीपल इन आर इमीजिएट फैमिलीज इन आर सराउंडिंग्स इन आर नेबरहुड दैट वी डोंट इवन रिमेंबर दैम इवन आफ्टर अयर ऑफ देयर डिसअपेयरेंस

It is not about just talking about becoming a, like an IAS officer or an IPS officer or a minister, it is not about that, it is about doing something very constructive. Obviously yes, joining civil services give us one very wide platform from which we can create an identity for us, but it is not necessarily you know possible for each and every IAS IPS officer to have that identity. Even for that you have to still continue thinking that we only live once and when we live as a human being, we have lot of responsibilities, we have lot of opportunities to make ourselves a part of that enigmatic existence, ek aise existence jo hamare naam ko ek se de a unique identity. वेन वी लिव ओनली वंस तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वी मस्ट बिकम नॉलेजेबल हमारे पास इतनी बेसिक नॉलेज तो हो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें क्या बिल्कुल ठीक है और क्या बिल्कुल गलत है हम ऐसे लोग बन के तो जीवन नहीं जियेंगे ना कि यार मैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इन यूनिवर्सिटीज़ पर पढ़ के बड़ा हो रहा हूँ मैं पोस्ट ट्रुथ सोसाइटीज़ में जीना शुरू कर चुका हूँ यू अंडरस्टैंड द वर्ड पोस्ट सोसाइटी देर इज something कॉल्ड ट्रूथ सत्य है अब उसके आगे क्या होगा कुछ भी नहीं तो जो हमें बताया जा रहा है जो हम सुनते हैं जो हम जानते हैं आज की डेट में ऐसा बहुत कुछ है जो सत्य नहीं है पर हमें ऐसा एहसास करा दिया गया कि यही truth है और हमने मान भी लिया हम इतने ज्यादा शैलो हो गए अपनी नॉलेज में हमें खुद को ही नहीं पता कि जो हम जानते हैं वो कितना गलत है कितना निराधार है हाउ मीनिंगलेस ऑल दैट इज और हम उसी के साथ सोचते हैं कि यार हम तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं बहुत ज्ञान मिल गया ऐसा कैसे हो गया कोई तुमसे दो बातें पूछ ले और तुम एक्सपोज हो जाओ कोई तुमसे ये पूछ ले तुम्हारी लाइफ का एम क्या है और तुम साइलेंट हो जाओ कोई तुमसे ये पूछ ले कि तुम दुनिया में क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो और तुम्हारे पास कोई आइडिया ही ना हो देन व्हाट काइंड ऑफ यू ओनली लिव वंस मीन टू यू क्या कर रहे हो Are you even living? Is there any kind of a sense in that kind of living? What have you achieved by doing all this? Ach karte hain, you only live once. Or idea ka discuss you only live once. It's so nice, it's so cool the word they use to drink, to smoke, to to use the other you know narcotic substances, to waste time. You only live once. इज इट द लाइफ वर्थ लिविंग इवन क्या इसलिए हम इंसान बन के पैदा हुए एक बार आज अपने आप के लिए आंखें बंद करो और सोचो क्या यह करने के लिए पैदा हुए थे क्या ये हमारे एम्स हैं क्या ऐसे हम अपनी सिविलाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे एक बार सोचते हैं या इसको रिवर्स करते हैं ऐसा सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे नाम के साथ कुछ ऐसा स्टार्ट हो या मेरे नाम के साथ कोई ऐसा इनिशिएटिव एसोसिएट हो जिससे सिर्फ मेरा नहीं या मेरी इमीडिएट फैमिली का नहीं सोसाइटी एट लार्ज का कोई वेलफेयर या कोई डेवलपमेंट कुछ ऐसा इंश्योर हो सके यस वी लिव वंस ऐसा सोचें पता नहीं दोबारा आएंगे नहीं आएंगे अगर एक बार आ गए हैं तो कुछ ऐसा सोचें कुछ बड़ा सोचें और थोड़ा रियलिस्टिक होके सोचे यार मान लिया ना हम सब लोग पॉलिटिशियंस नहीं बन सकते हम सब लोग आई नहीं बन सकते सब लोग आई नहीं बन सकते हम सब लोग बैंक मैनेजर नहीं बन सकते हम सब डॉक्टर नहीं बन सकते इंजीनियर नहीं बन सकते एक बार जीने आयो कुछ तो बनने आयो सबसे पहले ना यू ओनली लिव वंस इसमें एक मोटो करो बिकॉज यू लिव ओनली वंस लिव अ वेरी फोकस्ड लाइफ लिव अ लाइफ विद एन एम

घंटा उस घंटे का हर एक मिनट और हर मिनट का हर एक सेकंड यू लिव वंस बट इन दैट एवरी सेकंड यू मेक अ डिफरेंस यू क्रिएट एन आइडेंटिटी दैट मेक्स द असेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो आज अपने आप को फेस करो गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर लुक इन योर ओन आईज एंड आस्क योरसेल्फ क्या कर रहा हूं मैं वट एम आई अचीविंग वट आर द एम्स दैट आई हैव इन माई लाइफ क्या मैं कुछ बनूंगा अगर मैं बनूंगा तो मैं किस स्टेटस को अचीव करूँगा और जिस स्टेटस को मैं अचीव करूंगा क्या वो सिर्फ मेरे कंफर्ट्स के लिए होगा या वो सोसाइटी एट लार्ज के डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर के लिए प्रोग्रेस के लिए होगा क्या मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा कि मेरे साथ साथ जितने लोग यहां पर हैं मैं उनके बारे में भी सोचूं और कुछ ऐसा कर दूं कि वो भी तो ऐसे ही लोग हैं दोस्त गोना लिव ओनली वंस चलो यार आज यू ओनली लिव वंस को ऐसा कर देते हैं वी ओनली लिव वंस बिकॉज वी ओनली लिव वंस लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू हेल्प कॉपरेट एंड कोलाबोरेट विद ईच अदर

चलो आज इससे ऊपर उठते हैं दैट आई लिव ओनली वंस यू लिव ओनली वंस वी लिव ओनली वंस एक साथ मिलके सोचते हैं कि इस सोसाइटी को इस सिविलाइजेशन को बैटर कैसे किया जाए चलो अपने सपनों के साथ साथ दूसरों को भी सही रस्ते पे लेके चलते हैं लेट्स आस्क आर फ्रेंड्स इफ वी एट ऑल आर फ्रेंड्स चलो एक दूसरे को आज से इनक्रेज करते हैं क्या करते रहते हो डीमोटिवेट करके शक्ल देखिए अपनी ये करेगा सोचा है कभी कितना डीमोटिवेट कर देते हैं जिसे हम अपना फ्रेंड बोलते हैं इवन अपना कजन बोलते हैं चलो यार आज से एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार लेट्स डू इट लेट्स ट्राई इट अगर उसका आधा भी अचीव हो गया तो बहुत होगा ना ऐसा मत सोचो कि कुछ अचीव नहीं होगा वी ऑल आर ह्यूमन बींग हम सबके पास एक ब्रेन है हम सबके पास दो आँखें हैं दो हाथ हैं सब एक जैसे हैं बस फर्क इतना है कुछ लोगों को इन्हें प्रॉपरली यूज़ करना आता है और कुछ लोग इन्हें अब्यूज़ कर देते हैं तो चलो आज से बिल्कुल सिंपल लाइफ का एक मोटो बनाते हैं यस आई नो आई लिव ओनली वंस इसलिए आज से आई विल हैव एन अल्टीमेट एम जिसे पाने के लिए आई विल मेक माय लाइफ अलाइंट टू दैट एम और उस एम को अचीव करके आई विल मेक इट श्योर दैट यस वी लिव ओनली वंस सो so, मेरी अचीवमेंट्स मेरी पूरी सोसाइटी के लिए पूरी सिविलाइजेशन के लिए मीनिंगफुल चेंज लेके आएंगी एंड देन वस आई गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड इवन इफ आई लिव वंस आई विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर इफ यू अंडरस्टैंड एंड एग्री टू वट आई सेट टू डू लीव अ कमेंट एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एंड डू नॉट एग्री टू वट आई सेट यू मस्ट लीव अ कमेंट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन मोर टू यू बिकॉज यू नीड इट कॉज You only live once.